हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यूर वेल। आज की वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। क्लास ट्वेल्थ की फ्लेमिंगो बुक से पहली पोयम हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करें। तो पोयम का नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। ये आपका पोयम नजर आ रही है, जो आपकी बुक में बिल्कुल ऐसी ही पोयम नजर आती है। चलिए देख लेते हैं। इस पूरी पोयम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पोयम के पार्ट में मैं इसको रीड करूंगी, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। जब वो अपने माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी, ऑथर यानी कि कमला दास, तो उसने देखा कि मेरी माँ जो मेरे साथ ही बैठी है, उसका मुंह खुला हुआ है, जम्हाई ले रही है, उसका फेस जो है बिल्कुल राख की तरह, एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे डेड बॉडी होती है उसकी तरह दिख रहा है, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसको दर्द हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, जैसी जैसी दिख रही है बिल्कुल वैसी ही है, यानी कि बूढ़ी हो गई है। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, वो इस थॉट को अपनी माँ के बारे में जो सोच रही थी, जल्दी से उसने उस विचार को बाहर किया और गाड़ी से बाहर देखने लगी। जब वो बाहर देखती है तो क्या देखती है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि पेड़ तेजी से भाग रहे हैं, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो बच्चे खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन एंड वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ और कब जा रही थी। तो कहाँ जा रही थी, ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन के एयरपोर्ट पे जा रही थी, और कब जा रही थी, ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। तो ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग द पोएट मदर वॉज, क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, हर मदर, द पोएट्स मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, वॉट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर, पोएट ने उसके बारे में क्या नोटिस किया। हम सेम पोएम अगर हमें स्टैंजा दिया है तो लिख सकते हैं, और नहीं तो हमें आंसर लिखना है, द पोएट नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद हर ओपन, विद हर माउथ ओपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीन, व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड व्हाई, उसने अपनी माँ के फेस को किस चीज से कंपेयर किया और क्यों किया ऐसा, ये हमें बताना है। द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स, उसने एक डेड बॉडी से अपनी माँ को कंपेयर, माँ के चेहरे को कंपेयर किया है, बिकॉज हर फेस लुक्ड पेल फेडिड एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी में कोई चार्म नहीं रहता, वो बिल्कुल डल दिखाई देती है, फेडिड दिखाई देती है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती, ऐसे ही उसे अपनी माँ का फेस भी लगा। माई मदर, लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट, द पोएम का नाम है माई मदर एट 66 एंड द पोएट का नाम है कमला दास। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर इसी पैसे से एक सेट था, एक और सेट देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे, फिर यहां से आंसर सुनेंगे। नेम द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम, अभी हमने डिस्कस किया, नेम ऑफ पोएम इज माई मदर एट 66। वेयर वॉज द पोएट गोइंग, पोएट कहाँ जा रही थी, अब तो याद हो गया होगा, द पोएटिस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे, कौन से विचार को उसने बाहर निकाला, थॉट ऑफ सीइंग हर मदर्स फेस लाइक एश अवे, उसने इस विचार को कि उसका फेस डेड बॉडी की तरह लगता है, डेड बॉडी की जैसे राख होती है, एश उसकी तरह लगता है, ऑन लुकिंग, और क्या करने लगी, ऑन लुकिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, उसने ये निकाला और वो बाहर देखने लगी। व्हाट डज द फ्रेज एशन लाइक अ कॉर्प्स मीन, इस फ्रेज का क्या मतलब है, तो इस फ्रेज का मतलब है एशन लाइक अ कॉर्प्स मीन्स
पे लाइक अ डेड बॉडी। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे बच्चे, एक ही लाइन में एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जो आपको आंसर करने हैं। एक और सेट देख लेते हैं हम इसी का। व्हाट डिड आई रियलाइज विथ पेन, आई से क्या मतलब है, आई व्हाट डिड आई रियलाइज विथ पेन। आई रियलाइज विथ पेन मीन्स अबाउट द फैक्ट दैट हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, शी वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉर्प्स। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और बिल्कुल कैसे नजर आती है, लाइक अ कॉर्प्स। तो एक ये क्वेश्चंस थे आपके। चलिए एक और देख लेते हैं, दो क्वेश्चन के सेट और बनाए हैं। इसी स्टेंजे से कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे व्हाट डिड द पोएटस रियलाइज, पोएटस ने क्या रियलाइज किया। एक ही बात को हम किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है। तो क्या है, व्हाट डज द पोएटस रियलाइज, क्या रियलाइज किया पोएटस ने। द पोएटस रियलाइज द डीप पेन इन हर हार्ट टू सी हर मदर्स फेस लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। उसको बहुत, पोएटस को बहुत दुख हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसको अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रहा था। इस बात को देख के, अपनी माँ का, माँ के चेहरे के डल लुक को देखकर, वैन पेल फेस को देख करके उसे बहुत दुख हुआ। हाउ डिड शी फील, शी फेल्ट इनसिक्योर ऑफ लूजिंग हर मदर। वो जैसे बचपन में छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ उसकी कहीं चली जाती है तो वो डर जाता है, ऐसे ही वो भी असुरक्षित इनसिक्योर फील कर रही थी अपनी माँ के खो जाने के डर से, माँ के चले जाने के डर से। व्हाट डिड शी डू देन, तब उसने क्या किया। शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज रनिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम। उसने देखा कि बच्चों को जो दौड़ के बाहर आ रहे थे, और बाहर जो गाड़ी के बाहर ट्रीज ऐसे लग रहे थे जैसे दौड़ लगा रहे हो। इट वॉज टू डाइवर्ट हर अटेंशन, ऐसा उसने क्यों किया, अपनी अटेंशन, अपने थॉट को दूर करने के लिए। वट डू द चिल्ड्रन एंड ट्रीज सिग्निफाई, किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। दिस सिग्निफाइज चिल्ड्रन जो कि खुशी खुशी खेल रहे हैं, ट्रीज जो दौड़ लगा रहे हैं, दिस सिग्निफाई लाइफ, वाइटैलिटी, मूवमेंट एंड हैप्पीनेस। तो ये क्वेश्चन थे। एक और स्टेंजा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीबीएसई के 2011 में आए हुए हैं बच्चों, देख लेते हैं। इन्हीं छह लाइनों से क्वेश्चंस को बार बार हम किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। व्हाट थॉट डिड द पोएट पुट अवे, याद हो गया आप तो सबको, क्या थॉट करते हैं को वो अपने से दूर करना चाह रही थी, कि थॉट ऑफ हर एजिंग, थॉट ऑफ हर एजिंग एंड डिकेइंग मदर अवे फ्रॉम हर माइंड। वो इस बात को अपने विचारों से दूर करना चाह रही थी, भूल जाना चाहती थी कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और उसकी जो क्षमता है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, डिकेइंग मदर। व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, स्प्रिंटिंग ट्रीज हम भी अभी हमने ऊपर भी किया, किसको सिग्निफाई करते हैं, लाइफ, वाइटैलिटी, मूवमेंट, हैप्पीनेस, ठीक है। व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम सिम्बॉलिक ऑफ, जो बच्चे भाग के आ रहे थे वो किस बात का सिम्बॉलिज्म है, किस बात को दर्शा रहे हैं। तो दे आर द सिम्बॉलिक ऑफ अ लुक ऑफ हैप्पीनेस, यहां से भी हम वन लाइनर क्वेश्चन में सीधा लिख सकते हैं, सिम्बॉलिक ऑफ अ लुक ऑफ हैप्पीनेस, एंजाइटी वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स इन ग्रुप्स, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं, सिम्बॉलिक ऑफ अ लुक ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ, वाइटैलिटी, मूवमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। देयर इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ ओल्ड एज, है ओल्ड एज, बूढ़ी एज और छोटे बच्चों में, यंग बच्चों में। हु वॉज द ऑथर, जल्दी से बताइए, कमला दास वॉज द ऑथर ऑफ द पोयम। चलिए एक और स्टेंजा आपके लिए, वही स्टेंजा है जिसको मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, टेस्ट है, जल्दी से बोलिए, कोचीन एयरपोर्ट, वेरी नाइस। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, क्या देख रहा था वो, क्या नोटिस कर रहा था, हर मदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, हर फेस लुक लाइक अ कॉर्प्स, ये भी लिख सकते हैं हम।
व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस विद, किससे कंपेयर किया उसने हर मदर्स फेस विद दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो वन मार्क्स के आएंगे। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द स्टेंजा, पोएटिक डिवाइस जो बार बार यूज किया हुआ है वो कौन सा है? सिमिली। सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है जो किसी भी पोएट को और अच्छा सुंदर दिखने के लिए, पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। और इसकी पहचान है जिन शब्दों के बीच में लाइक आता है, जैसे ऊपर आ रहा है ना एशियन लाइक दैट, बीच में क्या आ रहा है लाइक, तो ये कौन सा फ्रेज है? सिमिली फ्रेज है। समझ आ रहा है बच्चों? चलिए एक और स्टेंजा कर लेते हैं जल्दी से। हु लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज, कौन देख रहा था बाहर? ऑथर, क्या नाम था ऑथर का? कमला दास। ठीक है, सिर्फ हु पूछा है तो इतना ही आंसर काफी है। कमला दास लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग बाय, कैसे देख रही थी? बाय वाइल लुकिंग आउट ऑफ हर कार। अगर आप ये कमला दास भी लिख देंगे तो भी आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। विच थॉट डिड ही पुट अवे, विच थॉट डिड शी पुट अवे, क्या थॉट को वो अपने से दूर कर रही थी? शी हैड बीन थिंकिंग अबाउट, वो क्योंकि पूरे टाइम वो किसके बारे में सोच रही थी? अपनी मदर के बारे में सोच रही थी, ऊपर भी हमने किया। शी पुट दैट थॉट अवे, किस थॉट को वो दूर करना चाहती थी अपने आप से कि उसकी मदर जो है ओल्ड हो गई है। हर मदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड, और कैसी दिख रही है? लुक लाइक अ, लुक लाइक अ, कैसे दिख रही है वो? कॉर्प्स, एशियन, एंड हर फेस लुक्ड एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो ये जो बात थी, इस थॉट को वो अपने आप से दूर कर रही थी। तो उसने क्या किया? सडनली शी पुट दिस हॉरिबल थॉट अवे एंड लुक्ड आउट ऑफ ए कार। ये आप लिखें या ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि पूछा है विच थॉट डिड शी पुट अवे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाइज। बार बार हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसको सिग्निफाई करता है? लाइफ को, मूवमेंट को, वाइटलिटी को। और थोड़े से वर्ड्स आपको मिल गए, ब्राइट सिग्निफाइज द ब्राइट एक्टिव चेयरफुल यूथ एंड ब्यूटी, इन सब बातों को ये सिग्निफाई करता है। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ ओल्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ओल्ड के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है जो इसका एंटोनिम हो, जो इसका विपरीत हो यंग। तो ये क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब एक और पोएम का जो सेकंड पैसेज, मैंने पूरी पोएम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए सेकंड पार्ट के, आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। वो क्या कह रही है कि बट अब चलते चलते एयरपोर्ट पहुंच गए, जब वहां पर सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर जब वो अपनी माँ से कुछ दूरी पे खड़ी थी तो आई लुक्ड अगेन, कहते मैंने उसको देखा, उसका चेहरा वैन डल येलो पेल एज अ लेट विंटर मून, दूर से ऐसे लगता था जैसे सर्दियों का चांद। कैसा दिखता है बच्चों? धुंधला दिखता है, ठीक से क्लियर नहीं दिखता। और मैंने सोचा एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो जो पुराना डर था मुझे फिर से वापस में आ गया, यानी कि माय चाइल्डहुड फियर, बचपन में जब माँ कहीं चली जाती थी तो उसके चले जाने का डर, खो जाने का डर मुझे फिर से सताने लगा। बट मैंने क्या किया इस बार? ऑल आई सेड वॉज, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अपने डर को छुपाते हुए और हंसते हुए बोला माँ फिर मिलेंगे, जबकि उसे आशा नहीं थी मिलने की। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा। नेम द पोएम एंड द पोएट, हु वॉज द पोएट लुकिंग एट, वट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, वट वॉज द फ्रेज फैमिलियर एक मीन्स। तो नेम द पोएम एंड द पोएट, क्या है पोएम का नाम? माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। तो क्या उसको दोबारा से फैमिली, सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो, हु वॉज द पोएट लुकिंग एट एंड वट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर, तो किसको देख रही थी? द पोएट वॉज लुकिंग एट हर
ओल्ड मदर, किसको देख रही थी? ओल्ड मदर को. चाइल्डहुड फियर क्या था उसका? हर चाइल्डहुड फियर वॉज देयर एजिंग एंड हर अल्टीमेट एंड, की माँ बूढ़ी हो गई है. द चाइल्डहुड फियर वॉज दैट हर मदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है. एंड फेमिलियर एक पुराना दर्द क्या था? पेन रियलाइज बाय द पोएट. फेमिलियर एक का मतलब क्या है? पेन रियलाइज बाय द पोएट. क्या पेन था? ऑफ लूजिंग हर मदर. एक और सेट देखे. वाई डिड द पोएट लुक एट हर अगेन. माँ ने जब पोएट और मदर जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, दूर खड़े थे, तो पोएट ने उसे फिर क्यों देखा? क्योंकि उसने अपनी मदर को देखा टू रीअश्योर हरसेल्फ अबाउट हर वेल बींग, ये देखने के लिए कि उसकी माँ ठीक है. रेदर शी वॉज सस्पिशियस लेस्ट शी शुड सी हर अगेन, क्योंकि उसे थोड़ा डाउट था कि फिर दोबारा अपनी माँ को मिल पाएगी या नहीं. शायद ही मिल पाएगी. हु इज हर इन दीज लाइन, इसमें हर कौन है? द पॉइंट वॉज लुकिंग एट हर. हर कौन है बताइए? हर हेयर रेफरेंस टू द पॉइट्स मदर, हर ओल्ड मदर. एक ये जो हर है ना बच्चों, द पोएट वॉज लुकिंग एट हर ओल्ड मदर, ये ऑथर के लिए है. और ये जो हर है हर चाइल्डहुड फियर, ये भी ऑथर के लिए है. और हर अल्टीमेट एंड, ये किसके लिए है? मदर के लिए. हर अल्टीमेट एंड, तो यहाँ पे हर किसके लिए इसने बताया है? हर हेयर रेफर्स टू द पोएट्स मदर. फेमिलियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ फेमिलियर. फेमिलियर का मतलब अभी हमने जाना इज अ वेल एक्वेंटेड, यानी कि पुराना रियलाइज्ड, जो हम जिससे हम पेन रियलाइज बाय द पोएट. फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, वेल एक्वेंटेड. और जब ये फेमिलियर एक होता है तो पेन रियलाइज बाय द पोएट, ठीक है. वेल एक्वेंटेड पेन रियलाइज बाय द पोएट. और क्या? नेम द पोएम. पोएम का नाम बताओ. माई मदर एट 66, वॉट वॉज द पोएम्स चाइल्डहुड फियर. फिर क्या था उसका? बचपन का डर क्या था? रेफर्स टू द एजिंग एंड शी वुड लूज अ मदर. व्हाट डज हर स्माइल सिग्निफाई, उसकी मदर की स्माइल क्या बता रही थी? जो वो अपनी मदर को देख के ऑथर हंस रही थी, उसकी स्माइल का क्या मतलब था? बाद में था, आपने पोएम में देखा था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल. तो हर स्माइल सिग्निफाइज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द पेन एंड फियर इन साइड हर हार्ट, कि जो उसके दिल में दर्द हो रहा था वो उससे बाहर आना चाहती थी, उसको दिखा नहीं रही थी. वॉट डज द वर्ड एक मीन्स, एक का क्या मतलब है? एक का मतलब है पेन. वॉट डज द वर्ड एक मीन्स? पेन. और स्टैंजा देखिए बच्चे. हु इज आई, इन लाइनों में आई कौन है? आई इज द पोएटेस. वॉट वॉज माई चाइल्डहुड फियर, बार बार देखो कुछ क्वेश्चंस को रोटेट करके थोड़ा सा घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं. तो द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस वॉज नॉट टू सी हर मदर और शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर, ये उसका डर था. क्या था? द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस वॉज नॉट टू सी हर मदर अगेन, वो अपनी माँ को दोबारा नहीं मिल पाएगी और शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर. सेकेंड स्टेंजा में जब ये आएगा तो हम ये आंसर लिखेंगे. Why did the narrator smile repeatedly? वो तीन बार smile, smile, smile. क्यों बार बार वो repeatedly क्यों मुस्कुरा रही थी? तो वो repeatedly इसलिए मुस्कुरा रही थी to attempt to overcome the ache and fear inside her heart. अभी किया हमने ये question. Why did the poet only smile? The poet only smiled to hide her guilt, anxiety and fear of the unknown. ठीक है, गिल्ट क्या था उसे कि इस उम्र में वो माँ की हेल्प नहीं कर पा रही है. एंग्जाइटी क्या थी, वो परेशान क्यों रही थी? क्योंकि माँ उसकी बूढ़ी हो गई है और वो उसे मिल नहीं पाएगी. एंड फियर ऑफ द अननोन, और किसी अनचाहे बात से वो घबरा रही थी. क्या थी वो बात? कि मे बी जब वो आए अगली बार तो उसे उसकी माँ ना मिल पाए. चलिए नेक्स्ट आप एक और देख लेते हैं स्टैंजा. लास्ट स्टैंजा है आपका. व्हाट वॉज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल द पोएट. द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल द पोएट क्या था? वॉज द फियर ऑफ ग्रोइंग ओल्ड. व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट?
पार्टिंग वर्ड्स उसने क्या बोले थे? सी यू सून अम्मा. कौन से वर्ड्स थे? व्हाट आर द वर्ड्स? सी यू सून अम्मा. और इन शब्दों का मतलब क्या है ये दिखाते हैं. सजेस्ट होप एंड एश्योरेंस नॉट ओनली टू हर मदर बट ऑल्सो टू द पोएट हरसेल्फ. ये शब्द कह के वो अपनी माँ को ही आशा दे रही थी और साथ में खुद भी उसको तसल्ली मिल रही थी. नॉट ओनली टू हर मदर बट ऑल्सो टू द पोएट हरसेल्फ हूज हार्ट एक्स टू सी हर मदर पेल फेस दैट लुक लाइक अ लेट विंटर्स मून. जो उसकी माँ का जो चेहरा था लेट विंटर मून्स की तरह दिख रहा था, इस बात से उसको बहुत दुख हो रहा था. तो ये कह के सी यू सून अम्मा कह के खुद को भी एक आशा दे रही थी, तसल्ली दे रही थी. व्हाट डिड द पोएट स्माइल? व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल? द पोएट स्माइल एंड स्माइल्ड. द पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल टू हाइड फ्रॉम हर मदर्स एक्, फ्रॉम हर मदर एक एंड फियर दैट शी माइट लूज हर इन द नियर फ्यूचर. ठीक है. पिक आउट द एंटोनिम ऑफ स्ट्रेंज. स्ट्रेंज मतलब अजनबी और इसकी जगह लिखा हुआ है फेमिलियर. तो ये हो गया एंटोनिम ऑफ द स्ट्रेंज. ओके बेटा, तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66. अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. गुड बाय.